कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार और आप देख रहे हैं विजयनाथ फूड। सो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं होली के पर्व में गुजिया बनाने जा रहे हैं। तो गाइस, जैसे जैसे बनाएंगे सारा कुछ आपको बताएंगे और थोड़ा यूनिक टाइप में बनाएंगे, हलवाई फेल हो जाएगी। तो गाइस, बने रहना वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सामग्री की बात करते हैं पहले। तो दोस्तों, सामग्री की बात करें तो सबसे पहले 1 किलो खोआ है हमारे पास, 1.5 किलो चीनी है, लगभग 25 ग्राम चिरौंजी है और 50 ग्राम किशमिश है, और इसमें इलायची पाउडर है। इलायची को हमने पीस रखा है, और ये आधा किलो रिफाइंड है, और ये आधा किलो सूजी है जो भूंजी हुई है, और ये लगभग 100 ग्राम गरी है जो हमने पहले से काट रखी है। तो चलिए और आगे आपको दिखाते हैं सारा कुछ। ये हमारे पास 1.5 किलो मैदा है जो कि इससे ही बनेगी। तो चलिए, पहले गाइस हमने मैदा को मोवन करना है। तो मोवन के लिए ये है डालडा, रथ का है, आधा किलो का है। तो चलिए मोवन करते हैं पहले। तो दोस्तों, इसमें हम डाल दिए हैं, ये डालडा है, हम डालडा से मोवन करेंगे। जितना अच्छा मोवन रहेगा आपका, उतना अच्छा जो है कड़कड़ाहट रहेगी गुजिया में। तो चलिए पहले थोड़ा सा मिलाते हैं, फिर आगे फिर से मिलाएंगे। चलिए मिला लेते हैं सब, फिर दिखाते हैं आपको आगे। मोवन भरपूर होना चाहिए, जितना अच्छा मोवन रहेगा आपका उतनी अच्छी, उतनी कड़कड़ाहट बढ़िया बनेगी। तो मोवन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बढ़िया से मिलाएंगे। सा हम और मिला लेते हैं डालडा, जो कि अगर आपसे हो सके तो इसको थोड़ा सा गर्म करके डालना, तब उससे और बेटर होगा। चलिए इसको मिला लेते हैं। तो चलिए इसमें पानी मिला लेते हैं, पानी के साथ बढ़िया से सानेंगे। तो दोस्तों, इसमें जैसे जैसे पानी की ज़रूरत पड़ेगी मात्रा, वैसे वैसे हम डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा और पानी डालते हैं। इसको मरदने के लिए थोड़ा सा रिफाइंड इसमें छिड़क लेंगे। रिफाइंड थोड़ा सा डालने के बाद आसानी से हम इसको मर देंगे जो भी होते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी गूंथने के बाद तैयार हो चुका है हमारा मैदा। तो काफ़ी देर मरदने के बाद हमारा मैदा लगभग तैयार हो चुका है। चलिए अब इसको रख देते हैं कुछ देर और चलते हैं मसाले की तरफ, और मसाला बनाते हैं। तो इसको ढक कर हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो दोस्तों, अब मसाला बनाने की बारी है। चलिए, ये खोआ रहा हमारा, खोआ इसमें डालते हैं पूरा पूरा 1 kg है, 1 किलो खोआ है। ये रही सूजी हमारी, जो कि 1 पाव सूजी है। दोस्तों, अब चीनी मिलाते हैं। चीनी हमारी 1.5 किलो है पूरी। थोड़ा सा मिला लेते हैं। तो हमारा गुजिया का मसाला मिलकर तैयार हो चुका है। चलिए अब इसमें गरी डालते हैं, इलायची पाउडर है ये।
चिरौंजी डाल देते हैं। चलिए अब इसको मिलाते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। चलिए इसको मिला लेते हैं, मिलाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बारी है इसको मैदा को उठाने की, देखने की। तो चलिए ये देख सकते हो एकदम मिल चुका है, बहुत अच्छा बन चुका है एकदम। तो चलिए इसको इसके लोई काटते हैं अलग अलग। इसको गोल गोल लंबा से कर लेंगे और फिर अलग अलग लोई तोड़ लेंगे। इसी तरह अलग अलग तोड़ लेंगे, कुछ इस प्रकार से गोल कर लेंगे। गोल गोल करके हमने रख लिया है इसमें, अब इसी को बेलना है। तो चलिए कैसे बेलते हैं दिखाते हैं। थोड़ा सा मोवन लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बेल लिया है। अब इसको इसमें रख के इसको हम लोग गुठनी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं आप समझ लें। चारों तरफ से प्रेस कर देंगे और निकाल लेंगे। तैयार हो चुकी है हमारी। तो गाइस ये आसानी से आपको मार्केट में 10 रुपये की मिल जाएगी। हमने 10 का 2 लिया है मेला में, तो इससे इसी में गुजिया का आकार देंगे। तो चलिए वो करते हैं, गूंथते हैं। सबसे पहले जो हम बेले थे उसको ले लेंगे इसके ऊपर। अब इसमें मसाला डाल के आसानी से दाब देंगे चारों तरफ, निकाल लेंगे। देख सकते हैं, तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया जो है आकार दे दिया गया, देखो। तो बारी बारी से हमने गोंट कर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह एक एक करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए गाइस इसमें कढ़ाई में डालते हैं गुजिया को और सही से छानते हैं। तो हमने डाल दिया है, देख सकते हैं पक रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं पक रही है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं बन के तैयार हो चुकी है, कितना सॉफ्ट और कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है गाइस। आप भी घर में बना सकते हैं ऐसे ही एकदम देसी स्टाइल में। होली का सबसे मेन मीठा होता है माना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।